हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द डार्लिंग रिटन बाय एंटोन चेकोव। ये नॉवल शुरू होती है ओल्गा नाम की एक लेडी से। ये लेडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और इसका जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइट है। अगर कोई भी इंसान इसको देखेगा और इसकी बातों को सुनेगा तो उसको बहुत ही ईजली इससे प्यार हो जाएगा। ओल्गा चाहती है कि कोई इसको प्यार करे, प्यार दे। ओल्गा अकेले नहीं रह सकती। अब क्या होता है, ओल्गा का जो स्कूल होता है वो अब फिनिश हो जाता है, तो इसके फ्रेंड्स और जो टीचर्स होती हैं अब वो सब अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि अब इसका स्कूलिंग ख़त्म हो चुकी है। जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो इसकी टीचर्स भी ओल्गा को बहुत प्यार करती थी और ये भी ओल्गा भी अपनी टीचर्स को और जो भी इसके फ्रेंड्स थे सबको प्यार करती थी। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद इसके फादर की डेथ हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। कुछ दिनों के बाद ओल्गा के जो नेबर होता है उसका नाम होता है मिस्टर कुकिन। तो ओल्गा मिस्टर कुकिन से मिलती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और ओल्गा को उससे प्यार हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है और वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ओल्गा कुकिन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। जब कुकिन ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए टिफ़िन बनाती है और सारा काम करती है। अब एक रात ये सो रही होती है, अचानक से डोर में नॉक करने की आवाज़ आती है। ओल्गा जाती है और एक न्यूज़ ओल्गा को सुनने को मिलती है कि आपका जो हस्बैंड कुकिन है उसकी डेथ हो चुकी है। ओल्गा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने आप को रूम में लॉक करके बहुत रोने लगती है। उसको बहुत ही ज़्यादा अकेलापन लगने लगता है और वो सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ। 3 महीने ओल्गा अपने आप को रूम में रखती है और किसी से भी नहीं मिलती, ना वो बाहर जाती है। अब यहाँ पर ओल्गा की फ्रेंड आती है और ओल्गा को समझाती है कि तुमको बाहर निकलना चाहिए और अगर तुम रूम के अंदर ही रहोगी तो तुम बहुत ज़्यादा और भी परेशान होती रहोगी। तो ओल्गा अपनी फ्रेंड की बात मान लेती है। 3 महीने के बाद वो अपने घर से बाहर निकलती है। जब ओल्गा घर से बाहर निकलती है तो कुछ दिनों के बाद वो जॉब करने लगती है और जहाँ पे वो जॉब करती है वहाँ पे मुलाकात होती है एक वेस्ली नाम के लड़के से। ये भी एक छोटी सी कंपनी का मर्चेंट है। सो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, इनकी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी हो जाती है और एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं दोनों जन और फाइनली इनको प्यार हो जाता है और फिर से ओल्गा शादी कर लेती है वेस्ली से। 6 साल ये दोनों साथ में रहते हैं। अब क्या होता है, वेस्ली को ना एक डिसीज़ हो जाती है जिसके कारण वेस्ली की भी डेथ हो जाती है। ओल्गा फिर से डिप्रेशन में चली जाती है और वो सोचती है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में आता है ये क्या हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं और मुझे अकेला छोड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि जहाँ पे ओल्गा रहती है, जहाँ पे ओल्गा का घर है, वहाँ पे एक उसकी फ्रेंड बनती है जिसका नाम होता है सिमरिन। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ओल्गा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है। आपस में चाय पीते हैं शाम के टाइम और बातचीत करते हैं। अच्छा, अब जो ये सिमरिन है इसका एक बेटा है 9 साल का। अब ओल्गा को सिमरिन से और उसके बेटे से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बट ये दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलती। सिमरिन के जो हस्बैंड होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी जगह, तो इन लोग को जाना पड़ता है। ओल्गा फिर से अकेले रहने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगती है, डिप्रेशन में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद फिर से ओल्गा के पास ये न्यूज़ आती है कि जो उसकी फ्रेंड थी सिमरिन वो वापस उसी जगह में आ रहे हैं क्योंकि उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र फिर से उसी जगह में हो गया है जहाँ पे ओल्गा रहती है। ओल्गा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम लोग दूसरे घर में मत रहना, तुम लोग मेरे घर में रह लो क्योंकि मेरा घर जो है वो आधा खाली है, ओनली मैं ही रहती हूँ अपने घर में। तो जो ओल्गा की फ्रेंड होती है सिमरिन वो आती है और उनके घर में, ओल्गा के घर में रहना शुरू कर देते हैं वो सारे लोग। अब ओल्गा को बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट उसके बेटे से हो जाता है, जो 9 साल का बेटा उसका होता है। उसको वो स्टोरी सुनाती है, उसको स्कूल लेके जाती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है ओल्गा।
अब ये जो 9 साल का बच्चा है उसको इतना अच्छा नहीं लगता। वो ना सोचता है कि मतलब ये आंटी मेरे से चिपकी रहती हैं और मुझे छोड़ती नहीं हैं, तो उस 9 साल के बच्चे को इतना अच्छा नहीं लगता। अब फिर से क्या होता है, सिमरन बोलती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसका ट्रांसफ़र फिर से दूसरी जगह में हो रहा है। अब ओल्गा फिर से सैड हो जाती है क्योंकि ओल्गा को बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। अब इन लोग सिमरन और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं और फिर से ओल्गा अकेली हो जाती है और वो एक रूम में फिर से अपने आप को बंद कर लेती है। वो अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है और धीरे धीरे उसका वेट जो होता है ना वो कम होने लगता है और उसकी आंखें बिल्कुल सूख जाती हैं। वो डिप्रेशन में रहना शुरू कर देती है। उसकी ज़िंदगी में एक और इंसान आता है जिसकी वजह से ओल्गा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उसकी जो हालत होती है ना पहले कि उसकी आंखें सूख गई थी और बहुत ही ज़्यादा उसका वेट कम हो रहा था, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। अब इस नॉवल में ये नहीं बताया कि कौन सा इंसान उसकी लाइफ में आया दोबारा। सो यहीं पे नॉवल फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये नॉवल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये नॉवल पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।